हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को स्पेड्रा 100 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है, कितनी देर तक इसका असर रहता है, क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको ये दवा कितने रुपये में मार्केट में मिलती है और किन लोगों को ये दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। स्पेड्रा 100 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट होती है और इस 4 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 299 रुपये, लगभग 300 रुपये के आसपास, और इसकी एक टैबलेट आपको 75 रुपये में मिलती है। कंपनी से बनाती है ए मिनारिनी फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है अवानाफिल 100 mg। और ये जो दवा है आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हो तो आपको पूरी स्ट्रिप खरीदनी पड़ेगी, अगर आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हो तो वहाँ पे आप एक टैबलेट भी खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन पुरुषों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, जब भी वो रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो खुश हो पाते ना उनकी पार्टनर खुश हो पाती हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसी कंडीशन में उन पुरुषों को ये टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और वो चाहें तो अपनी मर्जी से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर जिन पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में तनाव की कमी हो, तनाव नहीं आता बिल्कुल भी, मन नहीं करता है, काम इच्छा की कमी है बिल्कुल, शरीर में फुर्ती नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी कंडीशन में इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इन दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है। देखिए, जब भी आप जाते हो बेड पे रिलेशन बनाने के लिए, उससे आधे घंटे पहले आपको इसकी एक टैबलेट पानी या दूध के साथ आप ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखें, तुरंत बेड पे जाके तुरंत नहीं खाना चाहिए, आपको कम से कम 30 मिनट का गैप जरूर रखना है। इस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका असर कितनी देर तक रहता है। तो इसका असर आपके शरीर में 2 घंटे तक आराम से देखने को मिलेगा, किसी किसी में ज़्यादा भी देखने को मिलता है। तो आप बस टैबलेट यूज़ करिए। और अब जान लेते हैं कि इस दवा को किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो दवा है, जिन पुरुषों का पहले से किसी बीमारी से रिलेटेड इलाज चल रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे TB हो गई या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई, ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और जिन लड़कों की उम्र 18 साल से कम है, उनको भी ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है। छोटे बच्चों की पहुंच से इस दवा को दूर रखना है। और साथ साथ जिन लोगों ने अल्कोहल का सेवन कर रखा है, वो बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें या इस तरीके की टैबलेट इस्तेमाल ना करें। अब बहुत लोग कह रहे होंगे, हमने तो मतलब किया है पहले भी, तो हमने गोली खा ली थी, दारू पी रखी थी जब भी खा ली थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिनको प्रॉब्लम होती है तो फिर बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, कभी भी ड्रिंक करने के बाद कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है, इसे क्या रोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रोज़ यूज़ करोगे तो इसका असर जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम ये पेन किलर खा रहे थे, जब तक खा रहे थे 1-2 महीने तब तक बढ़िया काम किया, उसके बाद ये धीरे धीरे कम कर दिया काम करना। तो दवा का जो असर है, अगर रेगुलर आप लेने लगोगे तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तब इसे यूज़ कीजिए, या फिर आप 2 या 3 दिन बाद एक टैबलेट यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वैसे हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी हैं। ये जो दवा है, लेने के बाद अगर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके सिर में तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको पतली लैटरिंग होने लगे तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।